हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी नगर 24 चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे कहते हैं दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन क्या होता है? ये एक विशेष घटना होती है, और किसमें देखने के लिए मिलेगी? तो एंजियोस्पर्म प्लांट आवृतबीजी पौधों में देखने के लिए मिलती है। आप कहोगे जो ये एक विशेष घटना है, और विशेष घटना है तो सभी में देखने के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट उनके अंदर ही देखने के लिए मिलती है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने के लिए मिलती है ये घटना आवृतबीजी पौधों में। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज है डबल फर्टिलाइजेशन की खोज के बारे में नवाशिन ने बताया था या की थी। नवाशिन वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज की थी, और इन्होंने किसमें की थी? पेरिटिलेरिया तथा लिलियम, दो प्लांट है, इनमें खोज की थी सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की। होता क्या है डबल फर्टिलाइजेशन में? तो इसमें जो पराग नली है, जो हमारे निषेचन के समय पराग नलिका में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक फट जाती है। जो पराग नलिका में क्या होता है निषेचन के समय, जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय पराग नलिका, निषेचन के समय पराग नलिका जो भ्रूणकोश, जो पराग नलिका भ्रूणकोश में जाती है तो भ्रूणकोश फट जाता है, और दो मेल गैमेट फ्री हो जाते हैं। कितने? एक मेल गैमेट ये है, मेल गैमेट, और एक मेल गैमेट ये है, शॉर्ट में मेल गैमेट, मतलब दो मेल गैमेट फ्री हो जाते हैं। तो दो मेल गैमेट फ्री हो गए, जिसमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा, एक मेल गैमेट, ये मेल का सिंबल है, मेल गैमेट, ये एग कोशिका जिसे हम कहते हैं अंड कोशिका, ये आपको दिख रही है, ये मेल गैमेट आ रहा है, पोलन गए, पराग नलिका फट गई, जब किसमें बसी, भ्रूण कोश में, इंद्रियों में फट जाती है, तो मेल गैमेट ये स्वतंत्र हो जाते हैं, और एक है वो एग बीच वाली जो कोशिका है उसे क्या कहते हैं, एग सेल, अंड कोशिका, इससे सहयोग कर लिया। जब इससे सहयोग कर लिया तब इसे कहते हैं, सहयोग कर लेती है तब इससे जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और ये कहलाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसी को एक और नाम दिया गया है, इसे कहते हैं सिनगैमी, सिनगैमी। इसी का एक और नाम दिया गया है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो कोई से भी नाम से पूछा जा सकता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तीन नाम हो गए तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखो एक मेल गैमेट यहां पर काम में आ गया, लेकिन एक बचा, एक मेल गैमेट बचा, जो दूसरा मेल गैमेट आप कह सकते हो सेकंड या दूसरा, दूसरा मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट किसके साथ सहयोग करेगा? तो आप कहोगे ये बीच में क्या है, ध्रुवीय केंद्रक या सेकेंड न्यूक्लियस, सेकेंड न्यूक्लियस, सेकेंड न्यूक्लियस के साथ सहयोग करता है। क्या कर लिया? सहयोग कर लिया, सहयोग कर लेता है। अब दूसरा मेल गैमेट सेकेंड न्यूक्लियस के साथ सहयोग कर लेता है, तब क्या बनाता है, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। कितना? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तीन केंद्रक वाली संरचना बनाता है, तीन केंद्रक मिलेंगे इसमें, जिसे हम थ्री एन भी कहते हैं। अब इसी को क्या कहा, नाम दिया गया है, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, या इसी को नाम दिया गया है, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या लिख ही देते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन या प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है दो बार संयोग होता है, निषेचन क्या होता है फर्टिलाइजेशन दो बार, एक बार यहां पर संयोग हो रहा है जाइगोट बन रहा है और एक बार सेकंड न्यूक्लियस के साथ संयोग हो रहा है ट्रिपल ट्रिपलाइड स्ट्रक्चर बन रहा है, त्रिकेंद्रक बना ले रहा है, तो दो बार निषेचन होता है इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। और किस प्रकार से होता है ये, परागनली निषेचन से दो मेल गैमेट आते हैं एक एग के साथ और दूसरा मेल गैमेट सेकंड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, तो ये हमारा कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें जो ट्रिपल फ्यूजन है ट्रिपलाइड स्ट्रक्चर है ये क्या करेंगे, ये आगे चलकर भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं, जो हमारा भ्रूण कोष होता है आपने देखा होगा भ्रूण कोष, ये आगे जाकर किसका भ्रूण कोष का भ्रूण कोष, भ्रूण कोष का निर्माण करते हैं और ये भ्रूण कोष आगे जाकर क्या करेगी न्यूट्रिशन पोषण देने का काम करेगी, आगे परिवर्तन के बाद भ्रूण कोष में परिवर्तन होगा, भ्रूण में परिवर्तन होगा और ये पोषण देने का काम करती है। तो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।